प्लेस टाइम। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर। यहाँ पर तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, मेरी दाएं बाएं का तमाम भीड़ है और उनके हाथ में तिरंगा है और तिरंगा लेके ये कह रहा है कि सीए के विरोध में है। यहाँ पर महिला भी है, जहाँ पर आप लिखा हुआ है नो सीए, नो एनआरसी और नो एनपीआर। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आज सड़कों पे आप भीड़ भी देख रही हैं और मुल्क देश के जगह जगह जो है जनता बाहर निकल रही है सड़कों पे। तो हमारा जो ये मुद्दा है वो ये है कि जो एक्ट पास किया गया है, एनआरसी हो, सीए हो या एनपीआर हो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और हम संविधान को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। वैसे आप लोग कहाँ से हैं? मैडम, हम लोग दिल्ली से ही हैं। नहीं, दिल्ली से हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या? मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ। नाउ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट इन जामिया। आई हैव डन एमएससी फ्रॉम जामिया एंड वी आर फ्रॉम शाहीनबाग ओनली, फ्रॉम दैट एरिया ओनली। मैडम, अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं दिल्ली में, लेकिन ये शाहीनबाग का जो मुद्दा है उसको लेके जिस तरह की बयानबाजी हो रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उनकी आइडियोलॉजी झलक रही है। गृह मंत्री का जो बयान आया था शाहीन बाग को लेकर, वो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ मैन ऑफ हिज स्टैचर। वो एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के गृह मंत्री हैं और हमने उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, मगर उनका बयान आया और जनता ने भी देख लिया और जनता को पता है कि उनके बयान के पीछे जो क्लियर बिगेटेड स्टेटमेंट था, वो एक हेटरेट थी, वो सब छलक गई और जनता ने देख लिया। जनता को समझ में भी आ गया, जनता को सब कुछ समझ में आते हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? हम भी दिल्ली से हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने ये पहने हुए हैं और क्या कहते हैं, जिससे प्रोटेस्ट भी लगातार चलते आए हैं और आज भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अलग तरीके के बयानबाजी हो रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि ये कोई अच्छी साइंस नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि आप संविधान के अगेंस्ट में इस तरह का अमेंडमेंट ला करके। आप सब कुछ मौजूद था पहले से, हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट मौजूद था, उसमें आप बाहर के लोगों को आप दे सकते थे अगर कोई पीड़िता है, पहले बने हुए पहले है ना, पहले से। तो उसमें एक ए लगाने की क्या ज़रूरत है? सी ए तो पहले से है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहले से मौजूद है 1955 का, उसमें एक ए जोड़ के पूरे मुल्क को तोड़ने की क्या ज़रूरत है आप? यहाँ पर महिला जो है, महिला नाराज़ है और हम आपसे भी जानेंगे। मैडम, आप भी आए हैं और यहाँ पर तमाम महिला हम आपको दिखा सकते हैं, तमाम महिला है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इस एक्ट को वापस लिया जाए, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो इसे वापस लिया जाए। वापस के लिए लगातार प्रोटेस्ट भी चल रहे, चाहे वो शाहीन बाग हो, अलग अलग दिल्ली के भी हो, लखनऊ में, भारत के अलग अलग जगह में हो रहा है प्रोटेस्ट, लेकिन उसके लिए जिस तरीके की बयानबाजी हो रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ही गलत है जो ब्लेम्स दिए जा रहे हैं शाहीन बाग के लोगों को और बाकी सारे जगह में, ये एक अफवाह है सिर्फ। मैं खुद शाहीन बाग गई हूँ, मैं खुद वहाँ का हाल देखी हूँ, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। आप मैडम? ये जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सही है। यहाँ पर तमाम महिला हम अपने हुए हैं। मैडम, आप ये क्या तिरंगा जिस तरीके से पहने हुए, चुन्नी है लेकिन ये तिरंगा के रंग में है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक देशवासी हूँ और मैं भी देश में रहना चाहती हूँ और देश को पसंद करती हूँ। जो लोग कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, तो वही देशभक्त नहीं है, हम लोग भी देशभक्त हैं। क्या मैडम, इससे आज आपको प्रूफ करना ज़रूरी हो चुका है? जब ये हमको केंद्र सरकार ने यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है, तो हमको प्रूफ करना ज़रूरी है। शाहीन बाग के जिस तरह के प्रोटेस्ट है या अलग अलग दिल्ली में अलग अलग जगह पे जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद वहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि 500 रुपए लेके वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो उनके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोग ले नहीं रहे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता है। ऐसे तो दुनिया में ना जाने किसको सब कुछ बोला जाता है, हमको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आज कहाँ से लोग आए? दिल्ली का ही है? नहीं, मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से है ये महिला जो है, ये जयपुर से है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नो एनपीआर लिखा हुआ है। आप कहाँ से हैं मैडम? जयपुर से। आप भी जयपुर से, इतना दूर का सफर आप आके दिल्ली में आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या उम्मीद है कि जो आप लोगों की मांग है वो पूरा हो जाएगा? हम सरकार से उम्मीद ही लगा रहे हैं क्योंकि हमें अभी भी अपने संविधान पर भरोसा है कि हमारी ये सरकार आँख खोल ले कि इतने जो हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे उतर रहे हैं कि वो उनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है। और ये जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, हम इसी तरीके से चाहे हमें कितनी ही दूर, आज हम यहाँ दिल्ली आए हैं, चाहे हमें केरल जाना पड़े, चाहे हमें चेन्नई जाना पड़े, हम जाएंगे। शाहीन बाग में जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें जिस तरीके बयानबाजी हो रहा है, कह रहे हैं पुरुष घर में रहते हैं, महिला को आगे कर देते, उसमें आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुझे इस बयान पर बहुत हंसी आ रही है। कल तक जब मुस्लिम से औरतें नहीं निकलती थी तो इन्हें इस बात की तकलीफ होती थी कि औरतों को दबाया जाता है, घरों में बिठाया जाता है, और आज जब
औरतें सड़कों पर निकली है तो भी इनको तकलीफ हो रही है, इस बयान पर मुझे हंसी आती है और कुछ नहीं। और एक क्वेश्चन है, जिस तरीके से तीन तलाक के ऊपर आप लोगों को पता है कि मुसलमान महिलाओं के ऊपर एक तरीके से बहुत अच्छा किया है, उनका कहना है कि तीन तलाक लेके आके बहुत अच्छा महिलाओं के दुखों को समझ पाया है, लेकिन अभी जो महिला है मुसलमान महिला ज्यादातर वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे खुरुजी हो, अलग अलग जगह पे बैठे, उसमें क्या कहना? देखिए, ये जो तीन तलाक के ऊपर आए ना, इसमें कुछ अच्छा नहीं किया है। तलाक मैं मानती हूँ कि कई जब किसी औरत के साथ कोई जुल्म जाती होती है ना, तो वो किसी मजहब पे उसे नहीं, औरतों के साथ जुल्म जाती है क्या सिर्फ मुस्लिम औरतों के साथ होती है, किसी और मजहब की औरतों के साथ जाती नहीं होती। इससे अगर वो तमाम जो औरतें हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, उसके ऊपर कानून आया जाता ना, तब हम समझते। ये तो सिर्फ एक मुद्दा बना दिया गया जब से ये सरकार आई है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अच्छा, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी ना इन मुस्लिम औरतों की, तीन तलाक उन्होंने खत्म कर दिया, क्या उन्हें अब मुस्लिम औरतों की तकलीफ समझ में नहीं आ रही है? दर्द नहीं आ रही है, सीधा अटैक हो रहा है, तो क्या उन्हें अब दर्द? वो कहाँ चले गए हमारे सारे भाई, कहाँ बैठ गए? अब हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आए हमारा दर्द समझे कि उन्होंने जो कानून लेकर आए उनमें मुसलमानों के साथ जो सीधा अटैक कर रहे हैं, हम खामोश रहे, हमारे पर इतने अटैक हुए, 370 खत्म कर दिया उन्होंने, जो तलाक का कानून लेकर आए और भी कितनी चीजें बदलाव करी, तो इन चीजों के अंदर तमाम जो मुसलमान महिला आज रोड पे है, लेकिन उसमें क्या दर्द नहीं महसूस हो रहा है, वही हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। तो ये तो वो दर्द महसूस करें, हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये आप लोगों के लिए कहते हैं कि आप लोगों की अच्छाई के लिए बोलते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन है, हम वो जानना चाहते हैं। अच्छाई, कोई अच्छाई महसूस, हमें कोई अच्छाई नहीं मिल रही है इसके अंदर। ये हमारे ऊपर सीधा सीधा अटैक हो रहा है और अब हम घर से बाहर निकल चुके हैं, अब हम घर में वापस नहीं जाएंगे, जब तक इस कानून को वो वापस नहीं लेंगे हम सड़कों पे रहेंगे और हम देखते हैं ये सरकार कब तक नहीं झुकती है। हम देख रहे हैं ये जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं जयपुर से आए हुए। सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली हाई कोर्ट से हूँ। कोर्ट से हैं जी। सर आप क्या कहना चाहें, आपको कोर्ट की, आपका जो कानून की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से है, सीए को लेकर जिस तरीके से विरोध लगातार चलते आ रहे, उसमें आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये कोई कानून ही नहीं है, लोग तो इसको काला कानून बता रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ये काला भी नहीं है, काले से भी कोई गंदी चीज़ अगर हो सकती है तो वो है। तो इस कानून को तो वापस जाना तय है, अब ये कब जाएगा बस लोग यही सुनने के इंतजार में हैं। तो सर ये जो कानून कहते हैं कि जो है हमारे संविधान का उल्लंघन है, तो इसमें थोड़ा सा आप बताएंगे, संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं लोग, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कानून ऐसा हो कि जो धर्म देखकर रोटी दे या धर्म देखकर तालीम देगा, एजुकेशन देगा, तो वो कानून नहीं हो सकता। तो इसलिए संविधान का उल्लंघन तो है ही है, जो देश की आत्मा है, जो देश का जनता है, जो देश का सिस्टम है, उस पूरे के खिलाफ है ये। सर और एक क्वेश्चन है, जिस तरीके से अभी आपने बयानबाजी सुनी रहे हैं, दिल्ली में इलेक्शन है, दिल्ली का जो मेन मुद्दा है उसमें नहीं हो के सीए के ऊपर बयानबाजी हो रहा है और शाहीन बाग के ऊपर भी तमाम तरीके की बयानबाजी है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बयानबाजी जो लोग कर रहे हैं शाहीन बाग के खिलाफ, वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती इसलिए कि उनका काम ही यही है, फांसीवादी हैं, जहर की पुड़िया बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं, गोली मारने की बात करते हैं, धमकाते हैं, कभी गुंडों को जेएनयू में भिजवाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी डंडे करवाते हैं, कभी औरतों के ऊपर लखनऊ और इलाहाबाद में उनके क्या क्या जुल्म करते हैं। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, शाहीन बाग के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। शाहीन बाग में जिस तरह की प्रोटेस्ट है और रोड बंद है, उसकी वजह से लोगों के परेशानी को देखते हुए क्या होना चाहिए? उसमें तो कह रहे हैं कि पुलिस को कुछ पुलिस को बोला गया है कि कुछ करे, लेकिन उसमें कुछ अभी तक कुछ नहीं हो पा रहे, आपकी तरफ से क्या? ये एक बहुत छोटी सी बात है जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों को परेशानी हो रही, नो डाउट लोगों को परेशानी हो रही, और हम भी यही कहेंगे कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, रोड को खोल देना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट अंधी बहरी गूंगी है कि 45 दिन हो गए लोग रोड पे बैठे हुए हैं, आकर बताएं वहाँ पर। एक तो ये है कि स्टेज पर आकर बताएं गवर्नमेंट कि आप लोग गलत बैठे हुए हैं, आप लोग गलत विरोध कर रहे हैं, कानून है, कानून को मानिए। अब ऐसी कौन सी जनता है, ये लोग रोटी नहीं खाते हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि कानून तो कानून होता है, कानून को, और ये लोग ऐसा कानून ला रहे हैं, धमकियों से चलवाना चाह रहे हैं उसको, तो गृह मंत्री खुद धमकी दे रहा है, ये कानून नहीं हुआ। लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोई आए और आके हमसे बातचीत करे, सिर्फ बातचीत ही चाहते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव की वजह से सारे बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे अलग नेता हो, वो तो यही चाहते कि जाके बातचीत करे, क्यों नहीं जा रहे, क्या लगता है सर? देखिए, अमित शाह गृह मंत्री हैं और एक गृह मंत्री को ये बात बिल्कुल नहीं शोभा देती, वो देश के गृह मंत्री हैं, वो इतनी ओछी और इतनी छुट्टी राजनीति कर रहे हैं, वो गृह मंत्री को ये शोभा नहीं देती, ये देश के, ये भी संविधान के खिलाफ,
उनको इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। और जो उनके एमपी इलेक्शन में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक है, इंसानियत के लिए शर्मनाक है। यस यस, मानवता के खिलाफ है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।